आप लोग कलेक्ट्रेट क्यों आए, क्या कारण है आने का? हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से एक कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि लॉकडाउन के चलते मध्य प्रदेश में देसी अंग्रेजी शराब दुकानें बंद करने बाबत आज पूरे प्रदेश में जो 4 मई से निर्णय लिया गया शराब दुकानें को खोलने का, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि जब गरीब जनता को मजदूरी नहीं मिल पा रही है लॉकडाउन के चलते, भारत में शराब दुकानें बंद होने के उसके परिणाम बहुत अच्छे आए थे, लेकिन जब से यह शराब की दुकानें खोली गई निश्चित ही इसके द्वारा सामान्य अपराध बढ़ रहे हैं। एक अपराध तो सामने ही आपको देखने को मिला है कि दमोह जिले ने भाई की हत्या कर दी। इसका जिम्मेदार कौन है? निश्चित ही यह शराब के कारण ही है। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा कहा गया है कि शराब कोरोना जैसी महामारी के लिए बहुत ही घातक है, जिससे आज लोग मर रहे हैं, तड़फ रहे हैं, एक एक दाने के लिए आज मोहताज हैं, क्योंकि उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। आज सरकार कोरोना जैसी महामारी के चलते यह जो शराब के ठेके खोल दिए गए, यह बहुत ही निंदनीय है। इस ठेकों को अति शीघ्र शासन को बंद करना चाहिए और जो महामारी कोरोना जैसी महामारी है उस पर ध्यान देते हुए अति शीघ्र शराब के ठेकों को बंद करवा दें। एक तरह से शासन कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी पढ़ेगी कैसे बेटी बचेगी? इन शराब के चलते निश्चित ही समाज का पतन हो रहा है। तो आज मंदिर गुरुद्वारे बंद हैं, लेकिन आज शराब के ठेके खोल दिए गए। निश्चित ही यह बहुत ही निंदनीय कार्य शासन द्वारा किया जा रहा है। अति शीघ्र भगवती मानव कल्याण संगठन का पुरजोर विरोध करता है।